मैं कीर्ति परोहा कक्षा 11वीं की जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि हमने जीव जगत के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, हमने जगत मोनेरा और जगत प्रोटिस्टा दोनों का बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया था और अब हम करने जा रहे हैं जगत फंजाई अर्थात जगत कवक का अध्ययन, मतलब फंजाई जो है कवक है उसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। कवक जगत अर्थात फंजाई जो होती है वो क्या होती है, आपने सबने देखा होगा, बहुत कॉमन कॉमनली आप देखते हैं बारिश के दिनों में, या आपकी ब्रेड या रोटी कहीं पड़ी रहती है तो उसमें क्या होता है, फफूंद उगाती है। आप उसको फफूंद के नाम से ज्यादा बेल नोन है वो, तो जो फफूंद उगाती है उसको देखते हैं आप, तो वो जो होता है वो कवक जगत का ही एक पार्ट है। अब हम देखें कवक जगत जो है वो परपोषी जीवों में उसका विशिष्ट स्थान है, क्योंकि ये परपोषी जीव होते हैं, इनमें स्वपोषण नहीं पाया जाता अर्थात इनमें वर्णकों की अनुपस्थिति होती है। दूसरा, ये सर्वत्र व्यापी होते हैं, ये सभी जगह पाए जाते हैं, जल में, थल में, हवा में, मृत कार्बनिक पदार्थों पर ये उगते हुए देखे जाते हैं। इसके बाद तीसरा है, ये गर्म एवं नम स्थानों पर पाए जाते हैं। अधिकतर ये कहाँ पे जल्दी से सरलता से उगते हैं, जहां पर गर्म और नम स्थान होते हैं वहां पर ये सरलता से पाए जाते हैं। ये जो कवक होते हैं उनकी संरचना में वो किस प्रकार होते हैं, तो पहला है इनका, ये तंतुमयी होते हैं अर्थात फिलामेंटस, इस प्रकार से ये तंतुमयी संरचना इनकी पाई जाती है। केवल एक इस ग्रुप का सदस्य है यीस्ट, उसको अगर हम छोड़ दें, क्योंकि वो इस प्रकार के शेप के होते हैं यीस्ट जो होते हैं, यीस्ट को अगर हम छोड़ दें तो सारे के सारे जो होते हैं वो तंतुमयी होते हैं। इनकी जो तंतु होते हैं वो लंबी पतली और धागे नुमा जैसे संरचनाएं होती हैं। जब ये तंतुमय, इनको कवक तंतु कहा जाता है, जब ये आपस में मिलकर के आपस में इकट्ठे होते हैं तो एक ऐसे जाल का निर्माण करते हैं, उस जाल को कहते हैं माइसीलियम। यहाँ ध्यान देना बच्चों, लंबी पतली धागे नुमा संरचनाएं तंतु कहलाती हैं, इनको कवक तंतु भी कहा जाता है, और जब ये कवक तंतु बहुत सारे इकट्ठे होते हैं एक जाल का निर्माण करते हैं जिसको माइसीलियम कहा जाता है। अब ये जो माइसीलियम होता है ये भी दो प्रकार का अगेन इसको बांटा गया है। पहला जो होता है वो होता है सतत नलिकाकार, मतलब ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है कंटिन्यूअसली, और इसमें न्यूक्लियोलाई न्यूक्लियस रहते हैं, ये होते हैं सतत नलिकाकार स्ट्रक्चर। कुछ कवक जगत के जो सदस्य होते हैं उनमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर तो पाया जाता है, साथ ही साथ पट यानी सेप्टा की उपस्थिति पाई जाती है। किसकी उपस्थिति पाई जाती है बच्चों, पट या सेप्टा, इसको सेप्टा बोलते हैं इंग्लिश में, तो सेप्टा प्रेजेंट रहता है इसलिए ये पटी प्रकार के कहलाते हैं। अब इनकी जो कोशिका भित्ति रहती है या जो सेल वॉल है वो दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बनी है, एक तो काइटिन और दूसरा पॉलीसेकेराइड। काइटिन और पॉलीसेकेराइड के स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से इनकी सेल वॉल डेवलप होती है। अब हम देखते हैं इनमें पोषण, तो पोषण जो होता है वो तीन प्रकार का मेनली होता है, मृत जीवी, परजीवी और सहजीवी। मृत जीवी या सेप्रोफिटिक जो पोषण होता है इसको कहते हैं इंग्लिश में सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक पोषण की सबसे बड़ी डेफिनेशन है, आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा होगा कि मृत जीवी वो जीव कहलाते हैं जो सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो इनमें पोषण जो न्यूट्रिशन का एक मोड है वो मृतजीवी भी है। दूसरा आता है परजीवी पोषण, जो कि वो पौधों तथा जंतुओं से या बाहर रह करके प्राप्त करते हैं। तीसरा जो है स्पेशल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है वो है सहजीवी, अर्थात इसको कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस टाइप का न्यूट्रिशन सहजीवी को कहा जाता है। इसमें शैवाल और लाइकेन के साथ हमने देखा कवक मूल में उपस्थित रहते हैं ये, और ये बहुत अच्छा सिम्बायोसिस का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। परजीवी पोषण को पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है।
इसके बाद आप देखें इसमें जनन की कौन कौन सी विधियां पाई जाती हैं। तो कवक में जनन के दो प्रकार की विधि है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन की विधियों को मैंने 12th बायोलॉजी की क्लास में उसके फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। यदि आप सबको उसको देखना है तो आप उस वीडियो को जाके वहां पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जनन में पहला आ गया अपना अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, को इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, और लैंगिक जनन जो है उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है इंग्लिश में। ये आपको ध्यान रखना है, कभी कभी टर्मिनोलॉजी आ जाती है। तो अलैंगिक जनन में इसमें जो जनन की विधियां हैं उसमें है पहला कायिक विधि से खंडन विधि, विखंडन विधि, मुकुलन विधि और बीजाणु निर्माण। खंडन अर्थात इसका जो फिलामेंट है या सेप्टा है, तंतु है जो माइसीलियम है, वो बराबर बराबर दो तीन भागों में टूट जाता है। और विखंडन में भी यही क्रिया होती है, जो लंबे नलिकाकार सेप्टा वो कई भागों में टूटते हैं। मुकुलन जैसे यीस्ट में हमने देखा कि इसमें पेरेंट सेल पर एक मुकुल अर्थात बडिंग का निर्माण होता है, जो बाद में सेपरेट होकर के क्या बना लेता है, एक नया डॉटर सेल बना लेता है। इसके बाद इसमें विधि है बीजाणु निर्माण या स्पोरुलेशन, वो होता है कोनिडिया के द्वारा। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, कोनिडिया, ओइडिया, कवकों का वर्गीकरण कि इनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। तो वर्गीकरण में अगर हम देखें तो ये इनको चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला है फाइकोमाइसिटीज, दूसरा एस्कोमाइसिटीज, तीसरा बेसिडियोमाइसिटीज। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना है, जो माइसिटीज करके आए तो आप समझ लेना कि माइसीलियम के लिए बोल रहा, अर्थात ये जो है कवक के बारे में, फंजाई के बारे में बात कर रहा। कुछ ऐसे वर्ड होते टिपिकल जिनसे हम पहचान सकते हैं। और चौथा वर्गीकरण में आता है ड्यूटेरियोमाइसिटीज या फंजाई इम्परफेक्टाई। अब हम पढ़ेंगे इसके पहले वर्ग में अर्थात फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जलीय आवासों में, डेड ऑर्गेनिक मैटर जितने भी मृत कार्बनिक पदार्थ है, नम सीलन भरे जो स्थान है वहां पर इनके सदस्य पाए जाते हैं। इनका जो कवक जाल होता है वो नॉन सेप्टेड अर्थात आपटीय होता है और बहुकेंद्रित होता है। कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लियर रहता है, वो बहुकेंद्रित पाया जाता है। इनमें जो अलैंगिक जनन होता है वो दो प्रकार से, पहला चल बीजाणु द्वारा और दूसरा अचल बीजाणु द्वारा। अब इसमें जो युग्मक पाए जाते हैं लैंगिक जनन के अंतर्गत वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, पहला समयुग्मकी या दूसरा विषमयुग्मकी। इसका उदाहरण है म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो। ये आपको इनके उदाहरण बच्चों जरूर याद करते जाना है ताकि आप भूले ना इनको। ये जैसे एक म्यूकर का हमने डायग्राम बनाया है, ये म्यूकर है, इसमें देखो आप देख रहे हैं ये हाइफा, ये माइसीलियम इनका पाया जा रहा है, और आपटी है, बीच में कहीं से भी क्रॉस्ड नहीं है और मल्टी न्यूक्लियर है। और साथ ही साथ इसका एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है और वो किसका निर्माण करता है, स्पोरेंजिया का निर्माण या स्पोर केस का निर्माण करता है जिसके अंदर बीजाणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लास, नेक्स्ट क्लास है हमारी एस्कोमाइसिटीज। इनको प्राय थैली फंजाई भी कहते हैं, ये एस्कस यानी एक थैली नुमा संरचना का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको थैली फंजाई भी कहा जाता है। ये कैसे होते हैं, इनका पोषण किस प्रकार से मिलता है, ये मृतजीवी होते हैं, कुछ परजीवी होते हैं, कुछ अपघटक भी होते हैं, और एक और इम्पोर्टेंट है शमल रागी। व्हाट डू यू मीन बाय शमल रागी, अर्थात ये जंतुओं के मल या विष्ठा पर उगते हैं, इसलिए इनको शमल रागी भी कहा जाता है। ये बेटा दो नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है कि शमल रागी फंजाई किसे कहते हैं और ये किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम देखें कि इसका जो कवक जाल होता है वो पटी होता है, अर्थात सेप्टा की उपस्थिति पाई जाती है इनके कवक जाल में, इस प्रकार का कवक जाल में। ये आपको इतना डिटेल में नहीं है लेकिन इसके अंतर्गत जो सेप्टा पाया जाता है उसको डॉलिकोप्रोटस सेप्टा कहा जाता है। अलैंगिक जनन जो इसमें होता है वो होता है कोनिडिया के द्वारा, लैंगिक जनन करते हैं एस्कोस्पोर द्वारा।
तो लैंगिक जनन एस्कोस्पोर द्वारा पाया जाता है। इसमें एक बहुत वेल नोन सदस्य है इसका, जिसका नाम है न्यूरोस्पोरा। उसका उपयोग जो है उसके उसने कई प्रकार के परीक्षण किए, उसमें मेनली जैव रासायनिक प्रयोग और आनुवांशिक प्रयोगों में इसके इस समूह के सदस्य न्यूरोस्पोरा का प्रयोग किया जाता है। और इसको पादप जगत का ड्रोसोफिला भी कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा। इस जगत एस्कोमाइसिटीज में भी खाने योग्य भी कुछ फंजाई है जो है मॉरेल और ट्रॉफिल, और इसके उदाहरण है एस्परजिलस और क्लेविसेप। उदाहरण आपको हर वर्ग के फंजाई का अच्छे से याद करते एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। इसका एक एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। पेनिसिलियम में अगर हम देखें तो ये वेजिटेटिव हाइफा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और वेजिटेटिव हाइफा आगे बढ़ जाता है और ये कोनिडियोफोर की संरचना बना लेता है। इस कोनिडियोफोर में छोटे छोटे ये स्पोर दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को कोनिडिया कहा जाता है। ये कोनिडिया बाद में पृथक होकर के नए सदस्य क्या या नई पौधे नए अपने उसका कवक का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम एस्कोमाइसिटीज के बाद आने वाला बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज जो होता है ये सामान्य प्रकार के फंजाई कहलाते हैं। इसके अंतर्गत मशरूम, वेट फंजाई और पफ बॉल फंजाई बहुत कॉमनली आते हैं। ये मिट्टी में लट्ठे, जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं सूख जाते हैं उनमें, वृक्षों के जो ठूंठ होते हैं उन पर ये अधिकतर पाए जाते हैं। इसमें जो अलैंगिक जनन होता है वो होता है कायिक खंडन द्वारा, बहुत कॉमन है। और सामान्य तौर पर इसी प्रकार का डेसिडियोमाइसिटीज के सदस्यों में जनन पाया जाता है। इसमें जो लैंगिक जनन होता है वो प्लाज्मोगेमी से होता है, और प्लाज्मोगेमी अर्थात जिसमें जो कोशिका द्रव्य है उसका संलयन होता है, उसके बाद केंद्रकों का संलयन होता है, और उसके बाद लास्ट में डेसिडियोस्पोर्स का निर्माण होता है। इसका उदाहरण देखें एगेरिकस अर्थात मशरूम, आस्टिलेगो जो कंड रोग पैदा करता है पौधों में, पक्सीनिया जो किट रोग पैदा करता है पौधों में। अर्थात इस समूह के सदस्यों के कुछ सदस्य जो है वो परजीवी होते हैं, पैरासिटिक नेचर के होते हैं। ये है मशरूम। मशरूम सिर्फ एक ही प्रकार के नहीं, मशरूम में भी कई प्रकार की जातियां प्रजातियां पाई। कवक का अगला वर्गीकरण है वो है ड्यूटीरोमाइसिटीज। ड्यूटीरोमाइसिटीज जो होते हैं उनको फंजाई इम्परफेक्टाई भी कहा जाता है। इनको कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। फंजाई इम्परफेक्टाई, इम्परफेक्टाई अर्थात अपूर्ण कवक, क्योंकि इसमें केवल इस समूह के सदस्यों का केवल अलैंगिक प्रावस्था का अध्ययन किया गया है। लैंगिक प्रावस्था में ये बहुत ज्यादा बेसिडियोमाइसिटीज के सिमिलैरिटी शो करते हैं और एस्कोमाइसिटीज से सिमिलैरिटी शो करने लगते हैं, इसलिए इनको अलैंगिक प्रावस्था में अध्ययन किया गया है और इनको अपूर्ण कवक माना गया है। दूसरा देखें यदि हम अलैंगिक जनन जो होता है इनमें कोनिडिया के द्वारा होता है, और इसका जो कवक जाल होता है जो माइसीलियम होता है वो पटी अर्थात सेप्टेड और शाखित अर्थात ब्रांच्ड होता है। तो कवक जाल पटी एवं शाखित इसके मेन फीचर है। ये इनका जो पोषण होता है तो ये मृतजीवी, परजीवी और अपघटक के रूप में कार्य करते हैं, और प्रकृति में अपघटक के रूप में कार्य करना बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उदाहरण है अल्टरनेरिया कोलिटो ट्राइकम। ये अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर ये कोनिडियो फोर में कोनिडियो कोनिडिया बनाते हैं जो कि नए कवक जाल को जन्म देता है। तो ये अलैंगिक जनन का इसमें उदाहरण है। अब फंजाई की जो चारों क्लासेस हैं, चारों जो अपने वर्जिन चार समूह में इनको वर्गीकृत किया है, उनके नाम और उनके क्या लिखा है हमने एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उनको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। पहला है फाइकोमाइसिटीज अर्थात लोअर फंजाई, इसके अंतर्गत है सेप्रोलेजिना, राइजोपस, म्यूकर, एल्बुगो, फाइटियम, और यहाँ पर राइजोपस का डायग्राम दिया हुआ है।
नेक्स्ट देखते हैं स्टैक फंजाई या एस्कोमाइसिटीज, इसके एग्जांपल है यीस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, पेजिजा, और यहाँ पर न्यूरोस्पोरा का डायग्राम दिया है। थर्ड देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज अर्थात क्लब फंजाई, एगेरिकस, पॉलीपोरस, अक्सीनिया, अस्टिलेगो और लाइकोपैडन। फोर्थ ग्रुप है ड्यूटेरोमाइसिटीज अर्थात फंजाई इम्परफेक्टाई का, उसमें है सार्कोस्पोरा, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, पायरिकोलेरिया और फ्यूजेरियम, और यहाँ पर फ्यूजेरियम का डायग्राम शो है। तो बच्चों ये था आपका कवक जगत का वर्गीकरण और उसके सदस्यों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम पादप जगत, जंतु जगत और वायरसेस के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक आप इसे बहुत अच्छे से लर्न करें।